हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, काफ़ी बच्चे लगातार जैसे फिजिक्स की क्लास हम लोग ले रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, और भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। गवर्नमेंट हो चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ और तैयारी भी हम लोग करवाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि सर आप हेड ऑपरेटर पर भी ध्यान दे रहे हैं, सर आप असिस्टेंट ऑपरेटर पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपने वर्कशॉप के लिए कोई भी चीज़ हमें नहीं बताई है। अच्छा, आप सच बताइए, मैंने वर्कशॉप के लिए बताई है या नहीं बताई है? सबसे पहले तो मैंने आपको वर्कशॉप का सिलेबस ही बताया था, क्योंकि वर्कशॉप का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है आपका, चाहे हेड ऑपरेटर हो चाहे आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो। वर्कशॉप में आपकी केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाएगी, जबकि हेड ऑपरेटर में केमिस्ट्री के तीन चैप्टर, एक जल वैद्युत रसायन की और एक आपका और है, ठीक है, प्लास्टिक से कुछ रिलेटेड। और आपका क्या है, वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा जो चैप्टर हैं आपके वो किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। तो मैं कुछ आपको ओवरव्यू देता हूँ बढ़िया सा, और एक मैंने फुल डिटेल वीडियो भी बनाई थी वर्कशॉप के ऊपर कि वर्कशॉप का आखिर सिलेबस क्या है। उस वीडियो को जाकर आप, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर स्ट्रेटजी, उसमें सभी वीडियो आपको मिलेंगी, सब वर्कशॉप की और आपके हेड ऑपरेटर की, असिस्टेंट ऑपरेटर की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसका एग्ज़ाम भाई आपका अक्टूबर में ही होगा, मैंने पहले भी बताया था सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में, ठीक है, इससे पहले एग्ज़ाम आपका नहीं होगा रेडियो ऑपरेटर का, ठीक है। तो वो बात बार बार हम लोग नहीं दोहराएंगे, मैं बात करूँगा वर्कशॉप की, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे सर वर्कशॉप के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं इसके लेवल की, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ये भर्ती कितने से थी भाई, ये थी आपकी टेंथ पास की, ठीक है। तो टेंथ पास की जब ये भर्ती थी तो टेंथ पास का ही इसका क्या होगा, लेवल होगा, ठीक है, टेंथ पास का ही इसका लेवल होगा। मतलब जैसे जीडी का एग्ज़ाम होता है ना आपका, एसएससी जीडी का, ठीक है, तो इसका लेवल तो तब भी हार्ड होता है, लेकिन ये इसका लेवल आपको आसानी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केंद्र की सेंट्रल की जॉब है और ये आपकी स्टेट लेवल की जॉब है वर्कशॉप वाली। तो इसका लेवल आप एसएससी जीडी की तरह मानकर चलेंगे कि आपका एसएससी जीडी की तरह इसका लेवल आपको देखने को मिलेगा वर्कशॉप का, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है, प्रैक्टिस सेट आप कोई भी मार्केट में जो भी आपका आता हो प्रैक्टिस सेट, या फिर मॉक टेस्ट, ठीक है, वह मॉक टेस्ट आप ले लें, या फिर ऑनलाइन से कोई भी मॉक टेस्ट आप परचेस कर सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात रही कि सर इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपके जितने भी इसमें केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ठीक है, जितने भी वर्कशॉप वालों की बात हो रही है, जितने भी इसमें केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर में जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिए हैं, ठीक है, उन सभी चैप्टर को एक पेपर पर उतार कर अपनी वॉल पर लगा लें जहाँ भी आप पढ़ते हों, ठीक है। जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया उसे टिक करते रहें, ठीक है, जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया उसको आप टिक करते रहें, इस प्रकार से आप तैयारी करें। उसके बाद जब आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जो भी आपके पास मटेरियल में हैं उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा मान लीजिए आइटम, ठीक है, आइटम हमने पढ़ा, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं बुक में, वो सभी क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने आइटम पढ़ा एक जगह, ठीक है, एक जगह हम मान लेते हैं आपने वाटर पढ़ा, ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चन लगाने हैं, आपके वाटर में क्वेश्चन जो है गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप इसका रिवीजन अच्छे से करेंगे। जो चीज़ आपकी गलत नहीं हो रही है उसको स्किप कर कर आगे बढ़ें, जिसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत है उस पर मेहनत करें, ठीक है। ये प्रकार से आप दोस्तों पढ़ाई अपनी वर्कशॉप वाले करें। बात करता हूँ मैं मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स है आपकी, आपकी रीजनिंग भी पूछी जाएगी, ठीक है, रीजनिंग, और आपकी हिंदी भी पूछी जाएगी, हिंदी, ठीक है। तो ये सभी का लेवल आप मानकर चलते हैं थोड़ा 19-20 आपको देखने को मिलेगा। सबसे आसान जो मैथ रीजनिंग आपको मिलेगी वो वर्कशॉप में ही मिलेगी, ठीक है, सबसे अच्छी लेवल की मिलेगी, एसआई लेवल की आपको किस में, हेड ऑपरेटर में, ठीक है, हेड ऑपरेटर में। बाकी कॉन्स्टेबल लेवल की आपको मिल जाएगी असिस्टेंट ऑपरेटर में, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर में आपको किसकी लेवल की मिल जाएगी भैया, कॉन्स्टेबल के लेवल की, ठीक है, कॉन्स्टेबल लेवल की आपको क्या मिलेगी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है, ये आपको कॉन्स्टेबल लेवल की मिलेगी किसमें, असिस्टेंट ऑपरेटर में। तो सभी का पेपर का लेवल अलग है, सभी का वेतन अलग है, सैलरी अलग है, और सभी का दोस्तों क्या है, पेपर भी अलग है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मैं दे चुका हूँ आपको,
ठीक है, क्या सिलेबस है, क्या क्या है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वो सभी कुछ दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये स्पेशली जो वीडियो थी ये वर्कशॉप वालों के लिए थी। एग्ज़ाम मैंने आपको बताया है कब होना है, एग्ज़ाम होना है आपका अक्टूबर में, ठीक है, ये एग्ज़ाम अक्टूबर में दोस्तों आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सब कुछ जो अपडेट थी ये वर्कशॉप वालों के लिए थी। तो वर्कशॉप वालों के डाउट थे इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा कि लेवल वगैरह उनका क्या रहेगा। तो ये सब कुछ आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, और बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, जो भी हेड ऑपरेटर वाले हैं और जो भी असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हैं। और एक बात आप लोग और याद रखेंगे, ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, जो भी बच्चे हेड ऑपरेटर के हैं, ठीक है, या जो भी बच्चे असिस्टेंट ऑपरेटर के हैं, इन सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे दिया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी अपने एप्लीकेशन का लिंक दिया है। एप्लीकेशन पर जाकर आप फिजिक्स स्पेशल बैच भी ले सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स का एक स्पेशल बैच है, मात्र 150 रुपये में है। ये बैच कैसा है, रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच में ये पूरा बैच आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको PDF भी मिलेगी जिन पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी ही PDF ये आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये बैच हेड ऑपरेटर वाले ले सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर वाले इस बैच को ले सकते हैं, फिजिक्स स्पेशल बैच, जो हमने किस में दिया है, अपने एप्लीकेशन में दिया है। एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, वहां जाकर एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें और आप एक बार बैच में जाकर डेमो देख लीजिएगा। 2 या 3 डेमो आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप बाय कर सकते हैं कोर्स को, अन्यथा जैसे आप YouTube पर पढ़ना चाहें तो YouTube पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।